Assalamualaikum, नमस्ते एंड सत श्री अकाल दोस्तों. दोस्तों आज की लाइव स्ट्रीम में मैं फॉलो अप करूँगा जो लास्ट मैंने लाइव स्ट्रीम की थी. उसमें जो मैं आप लोगों को होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में वोकल्स के ऊपर EQ का सेक्शन जो बता रहा था, उस टाइम जो है वीडियो जो मेरे कैमरा से है वो पॉज्ड हो गई थी. ये उसका फॉलो अप है. प्लस अभी जो है चैनल पे जो हैं कुलवीर नेहार ने पूछा है कि व्हाट आर डिजिटल कन्वर्टर्स, मास्टर क्लॉक, एनालॉग हार्डवेयर, पावर कंडीशनर. तो दोस्तों जैसे ही आप लोग ज्वाइन होते हैं तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. स्पेशली मैं कुलवीर का वेट करूंगा कि वो आए और इस वीडियो को जो है हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं. तो दोस्तों अब जो है अगर आप देखें, मुझे ज़रा ऑडियो टेस्ट करने दीजिए. ओके, ऑडियो इज़ फाइन. मैं आप लोगों का वेट करता हूँ कि आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और मैं ज़रा म्यूज़िक को उतनी देर प्ले करता ही रहता हूँ जब तक आप लोगों में से कोई ज्वाइन नहीं हो जाता है. और फिर हम जो है EQ को अप्लाई करेंगे वोकल्स पे जो कि लास्ट लाइव सेशन में आप लोग नहीं देख पाए थे. और उसके बाद मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा मास्टर क्लॉक हम क्यों यूज़ करते हैं और बेसिकली डिजिटल कन्वर्टर क्या होते हैं, एनालॉग कन्वर्टर क्या होते हैं, एनालॉग हार्डवेयर क्या होती है, और हम होम रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ या प्रोफेशनल स्टूडियोज़ में पावर कंडीशनर क्यों यूज़ करते हैं और कौन से पावर कंडीशनर्स हमें जो है वो परचेज़ करने चाहिए. तो इस लाइव सेशन में ये सब कुछ हम जो है वो डिस्कस करेंगे. अच्छा दोस्तों, अगर अब आप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, म्यूज़िक को थोड़ा सा ऑफ कर लेते हैं. तो लेट्स पॉज द म्यूज़िक और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ बेसिकली मैक की. तो दोस्तों अब जो लास्ट लाइव सेशन था उसमें बेसिकली मैंने एक वोकल्स रिकॉर्ड किए थे और आज जो है हम उस वोकल्स के ऊपर EQ लगाएंगे उसको शेप अप करने के लिए. तो चलिए वोकल्स को ज़रा दोबारा सुन लेते हैं कि हाउ डू दे साउंड. तो यहाँ से मैं प्ले करता हूँ और फिर हम वोकल्स को जो है वो ड्राई सुनते हैं. ड्राई का मतलब वो होता है जब आपने किसी भी ऑडियो ट्रैक के ऊपर कोई इफ़ेक्ट्स नहीं लगाए होते तो उसको हम ड्राई ऑडियो ट्रैक कहते हैं. जब आप उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स लगा देते हैं या EQ लगा देते हैं तो उसको हम वेट कहते हैं. तो चलिए इस ड्राई ऑडियो ट्रैक को हम सुनते हैं कि हाउ डज़ इट साउंड. तुम ही तो हो, हाँ कैसे हो, न जाना तुम्हें ना पहचाना तुम्हें, अब क्या करें सनम, मिलके बिना मिले हम. अच्छा तो चलिए दोस्तों, ये तो हमने बेसिकली इस ऑडियो ट्रैक को सुन लिया एज अ ड्राई ऑडियो ट्रैक. अब इसके ऊपर हम जो है EQ लगाते हैं. अब जो है इस आप बस पे आ जाइए, अपने चैनल को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आप जो बस है जहाँ पे आपने बेसिकली ये चैनल क्रिएट किया है वहाँ से आप इफ़ेक्ट्स पे आ जाइए. और ये जो है ये मैंने EQ की सेटिंग्स की हैं. तो इस EQ को हम ऑन करते हैं और अब हम सुनते हैं. ऑल्सो मैंने आपको एक और चीज़ बता रहा था ड्यूरिंग लास्ट लाइव स्ट्रीम के आप जो है RTA रियल टाइम एनालाइज़र को जो है वो ऑन कर लीजिए ताकि आपको पता लगे जब आप EQ अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपकी आवाज़ आपने रिकॉर्ड की है वो 20 Hz टू 20 kHz स्पेक्ट्रम में कहाँ फॉल हो रही है ताकि आप उस EQ को ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकें. तो चलिए मैं अगर ट्रैक को प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो साउंड वेव्स हैं वो 20 Hz से 20 kHz के स्पेक्ट्रम में कहाँ फॉल कर रही हैं.
और इस EQ के सेटिंग्स के साथ। तो चलिए अब सुनते हैं। तुम ही तो हो हाँ कैसे हो, न जाना तुम्हें ना पहचाना तुम्हें, अब क्या करें सनम मिलके बिना मिले हम। अच्छा दोस्तों, जिस तरह के आपने देखा कि जो रियल टाइम एनालाइज़र हमें बता रहा है कि जो फ्रीक्वेंसीज, ये जो मैंने आवाज़ रिकॉर्ड की है, ये फॉल हो रही हैं समवेयर बिटवीन 50 हर्ट्ज़ टू अबाउट 18 किलो हर्ट्ज़। अब आपने यहाँ देखा होगा, अगर आप ये इस को देखिए, तो मैंने 80 हर्ट्ज़ का हाई पास फिल्टर लगाया हुआ है। अब इस फिल्टर को हमने किस तरह लगाना है, अगर आप देखिए ये जो EQ है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एट बैंड EQ है लॉजिक प्रो एक्स में। तो आप ये जो है हाई पास फिल्टर का जो आइकॉन है वो इधर है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए तो हाई पास फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। फिर आप इधर से आइए, 80 हर्ट्ज़ पे हाई पास फिल्टर लगा दीजिए। यानी आप EQ का ये बता रहे हैं कि 80 हर्ट्ज़ से जितनी भी नीचे फ्रिक्वेंसीज हैं उसको सिग्नल में मत भेजो। अभी आप जो है 24 dB पे ही इसको रहने दीजिए, यानी 24 -24 dB से इसको काट रहा है। और ऑक्टेव जो है, जिसका मैंने आपको बताया, ऑक्टेव जो है वो बैंडविड्थ होती है, जो कि जिस हायर द ऑक्टेव ऑब्वियसली जितनी वाइडर होगी उसका इफेक्ट नेबरिंग फ्रीक्वेंसीज पे उतना ज़्यादा होगा, जितनी नैरो होगी वो उतनी पॉइंटेड होगी। तो अभी आप इसको 0.71 पे ही रहने दीजिए। तो ये हमारा जो है बेसिकली हाई पास फिल्टर लग गया है। अब जो है 80 हर्ट्ज़ से नीचे की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो सिग्नल चेन में नहीं आएंगी। फिर अगर आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा लो पास फिल्टर है, ये जो लास्ट हमारा EQ का बैंड है। बेसिकली आप लो पास फिल्टर को ये बता रहे हैं कि 18 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा, यहाँ पे मैंने आप देखिए 18 किलो हर्ट्ज़ या 18,000 हर्ट्ज़ को सिलेक्ट किया है, आप इसको ये बता रहे हैं कि 18 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो सिग्नल चेन में ना आए। तो यहाँ पे मैंने हाई पास फिल्टर, सॉरी लो पास फिल्टर जो है वो लगा दिया है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि हायर फ्रीक्वेंसीज़ में हम इसको लो पास फिल्टर कहते हैं और लोअर फ्रीक्वेंसीज में हम इसको हाई पास फिल्टर कहते हैं, लेकिन बस आप ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो आपने लोअर फ्रीक्वेंसीज को कट करना है तो उसको हम हाई पास फिल्टर कहते हैं, अगर आपने हायर फ्रीक्वेंसीज को कट करना है तो हम उसको लो पास फिल्टर कहते हैं। अच्छा, अब जो बैंड नंबर 7 है EQ में, उसमें मैंने 11,000 हर्ट्ज़ में प्लस 1.5 dB अप्लाई किया है और जो क्यू है मैंने 1 का रखा है। अब हम ट्रैक को प्ले करते हैं और रैंडमली हम इन बैंड्स के साथ प्ले करते हैं, देखते हैं कि साउंड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जितनी भी आप मिड से हाई रेंज, मसलन 250 हर्ट्ज़ से लेके अबाउट 1.5K या 2K तक, जो मिड हाई रेंज फ्रीक्वेंसीज़ में फॉल करता है, अगर आप उसको बूस्ट करेंगे तो आवाज़ में उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू बिकॉज इट डिपेंड्स के वोकलिस्ट कौन है। तो चलिए हम इसको प्ले करते हैं ट्रैक को, और यहाँ पे मुझे 18,000 हर्ट्ज़ डालने दीजिए। सही है जी, और अब हम जो है ट्रैक को प्ले करते हैं। तुम ही तो हो हाँ कैसे हो, न जाना तुम्हें ना पहचाना तुम्हें, अब क्या करें सनम मिलके बिना मिले हम। तुम ही तो हो हाँ कैसे हो, न जाना तुम्हें ना पहचाना तुम्हें, अब क्या करें सनम मिलके बिना मिले हम। तुम ही तो हो हाँ कैसे हो, न जाना तुम्हें ना पहचाना तुम्हें, अब क्या करें सनम मिलके बिना। देख रहे हैं दोस्तों, जब मैं मिड रेंज फ्रीक्वेंसी के साथ खेल रहा हूँ तो हाँ, आप देख रहे हैं जब मैं मिड रेंज फ्रीक्वेंसीज के साथ प्ले अराउंड कर रहा हूँ तो ऑडियो के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तुम ही तो हो हाँ कैसे हो, न जाना तुम्हें ना पहचाना तुम्हें,
अब क्या करे सनम, मिलके बिना मिले हम, तुम ही तो हो, हाँ कैसे हो, न जाना तुम्हें ना पहचाना तुम्हें, अब क्या करे सनम, मिलके बिना मिले। तो दोस्तों इस तरह जो है आप EQ जो है वो वोकल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं अपने लॉजिक प्रो एक्स में। तो चलिए अब मैं आप लोगों की तरफ वापस आता हूँ, देखता हूँ कि कितने लोग ज्वाइन हुए हैं और क्या क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास। कुलवीर ने ज्वाइन कर लिया है। हेलो सर, हाय कुलवीर, हाउ आर यू? तो कुलवीर आप मुझसे पूछो या व्हाट्सएप भी ऑन है, आप व्हाट्सएप पे कॉल कर लो तो दैट वुड बी क्विकर। और ऑब्वियसली मैं आपकी ऑडियो भी आउटपुट कर दूंगा। तो अभी मैं बेसिकली आपका ही वेट कर रहा था, तो उसके बाद मैंने जो है ये स्टार्ट कर लिया है। तो अभी आप आ गए हो तो मैं दोबारा से जो है आपको डिजिटल कन्वर्टर्स के बारे में बता देता हूँ। तो कुलवीर बेसिकली डिजिटल कन्वर्टर्स ये होते हैं कि जब आपने एक माइक्रोफोन ऑडियो इंटरफेस के अंदर लगाया तो वो जो है एनालॉग ऑडियो जो है वो इंटरफेस के अंदर जा रही है, वो कंप्यूटर्स को नहीं समझ में आती। कंप्यूटर्स को सिर्फ लैंग्वेज समझ में आती है वन एंड ज़ीरो की। तो जो ऑडियो इंटरफेस है वो एनालॉग ऑडियो को डिजिटल में कन्वर्ट करता है ताकि आपके मैक या पीसी को समझ में आ जाए। फिर जब आप वो ऑडियो आउटपुट करते हैं इन स्टूडियो मॉनिटर्स के थ्रू, तो इन स्टूडियो मॉनिटर्स को डिजिटल लैंग्वेज नहीं समझ में आती, इनको एनालॉग लैंग्वेज समझ में आती है। तो जो आपका ऑडियो इंटरफेस है वो डिजिटल ऑडियो को फिर एनालॉग में कन्वर्ट करके इन स्टूडियो मॉनिटर्स के साथ आउटपुट करता है। तो इसको हम ADDA कहते हैं, यानी एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। तो ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है। दूसरा आपने पूछा था कि मास्टर क्लॉक क्या है। तो मास्टर क्लॉक बेसिकली ये है कि अगर आप के स्टूडियो या लाइव एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा डिजिटल डिवाइसेस हैं, लाइक ऑडियो मिक्सर है, फिर डिफरेंट किस्म के कन्वर्टर्स हैं, या दो तीन ऑडियो मिक्सर्स हैं, डिजिटल ऑडियो मिक्सर्स और भी डिवाइसेस लाइक माइक्रोफोन सिस्टम्स एंड एवरीथिंग, तो आप एक थ्रेशहोल्ड रखेंगे लेटेंसी का, सैम्पल रेट का, बिट डेप्थ का। लेकिन अब आप इंडिविजुअली हर डिवाइस में वो कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, आप एक डिवाइस को, एक ऑडियो मिक्सर को या किसी भी डिवाइस को, DSP को, डिजिटल साउंड प्रोसेसर को आप मास्टर बना देंगे और कहेंगे कि भाई यू आर द मास्टर, और अब ये जो लेटेंसी की कॉन्फ़िगरेशन है, सैम्पल रेट की कॉन्फ़िगरेशन है और बिट डेप्थ की, ये आप हैंडल करोगे। तो जो बाकी जो डिवाइसेस हैं वो स्लेव बन जाती हैं और वो ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मास्टर डिवाइस से कलेक्ट करती हैं कि हमने जो है लेटेंसी ये क्या अप्लाई करनी है, सैम्पल रेट क्या रखना है और बिट डेप्थ क्या रखनी है। तो ये हो गया। अच्छा अब आप पूछ रहे हो सर कोई प्रोफेशनल ऑडियो इंटरफेस बता दो। प्रोफेशनल ऑडियो इंटरफेसेस में आ जाते हैं RME और फोकस राइट के जो स्कारलेट रेंज है वो मिड रेंज है, उससे ऊपर उनकी एक रेड रेंज है वो प्रोफेशनल में आती है, और एक और उनकी मिड रेंज भी है, उसका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, सैफायर, सैफायर जो रेंज है वो भी मिड में आ जाती है, तो आप उसको भी देख लो। अगर आपने इससे ऊपर जाना है, जैसे जैसे आप अपनी म्यूज़िक प्रोडक्शन में आगे जाते रहोगे, तो फिर जो है आप इन्वेस्ट करो AVME के उसमें, या RME भी बहुत अच्छा है। और जिस तरह कि मैंने कहा कि फोकस राइट के जो रेड रेंज है वो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। अच्छा अब आप और कुछ क्वेश्चंस पूछ लो। अब आते हैं पावर कंडीशनर के बारे में, आपने पूछा था कि पावर कंडीशनर क्या है। बेसिकली पावर कंडीशनर एक ऐसी डिवाइस है जो आपके होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो या लाइव साउंड में ज़रूरी है, बिल्कुल 110% ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी फ्लक्चुएशन आ रही होती है, स्पेशली जो हमारे कंट्रीज़ हैं इंडिया और पाकिस्तान और सराउंडिंग बांग्लादेश श्रीलंका की, वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी इतनी स्टेबल नहीं होती, तो वो एक इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्लक्चुएशन है वो उसको कंट्रोल करता है। और दूसरी अगर कोई सर्ज
आ जाए इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो वो सर्ज को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, आपकी डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है। तो होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जो है सर्ज प्रोटेक्टर या पावर कंडीशनर बहुत ज़रूरी है। अच्छा, प्लग इन मिक्सिंग, आप दोबारा पूछ रहे हो, प्लग इन मिक्सिंग मास्टरिंग एंड हार्डवेयर मिक्सिंग मास्टरिंग में क्या डिफरेंस है? अच्छा, जो प्लग इन मिक्सिंग मास्टरिंग है वो बेसिकली एक नया तरीका है जो स्टूडियोज़ में यूज़ होता है। जो हार्डवेयर मिक्सिंग मास्टरिंग है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जो के जो है हार्डवेयर मिक्सिंग एंड मास्टरिंग है, इट्स अ एक्सपेंसिव थिंग। बेसिकली आप हार्डवेयर के थ्रू जो है आप मिक्सिंग और मास्टरिंग करते हो, लेकिन दैट कॉस्ट अ लॉट। अब जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी पहले प्लग इन मिक्सिंग मास्टरिंग पे आ चुके हैं, क्योंकि हार्डवेयर की जो है वर्चुअल सिमुलेशंस बन चुकी हैं। जिस तरह आपने कोई यामाहा का इफेक्ट्स लगाना है, तो पास्ट में आपको वो इफेक्ट यूनिट ख़रीदना पड़ता था हार्डवेयर की शक्ल में, और उसका फिर आप सिग्नल जो है उस इफेक्ट्स यूनिट को भेजते थे, फिर उसके पैरामीटर्स को सेट करते थे, वो सिग्नल आपको वापस भेजता था और फिर आप उसको जो है रिकॉर्ड करते थे। लेकिन अब वो जो है वो वर्चुअल जो है वो सॉफ्टवेयर की शक्ल में आता है, जो आपके कंप्यूटर के थ्रू चलता है। तो ये डिफरेंस है। ऑब्वियसली अगर आप क्योंकि कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत एडवांस हो चुके हैं, दे कैन हैंडल दैट काइंड ऑफ प्रोसेसिंग, तो इस वजह से अब आपको हार्डवेयर मिक्सिंग या मास्टरिंग इक्विपमेंट की एज सच ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड जो कि इस हार्डवेयर मिक्सिंग मास्टरिंग को यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मैं वो आपको बेसिकली रिकमेंड नहीं करूँगा। अच्छा कुलवीर, अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू जिम इन अ बिट। तो मेरा स्केड्यूल है, उसके बाद मेरी एक दो मीटिंग्स हैं, आई हैव टू फिनिश दैट। तो इस लाइव स्ट्रीम को मैं यहीं एंड करता हूँ, और लेट्स ब्रिंग इन द म्यूज़िक नाउ। और इंशाल्लाह ताला हम इस लाइव स्ट्रीम को जारी रखेंगे ऑन कमिंग संडे। तो होपफुली मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा। सर अपोलो, या अपोलो ऑडियो इंटरफेस इज़ वेरी गुड, इट्स गुड। जो आपके कंप्यूटर तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, होपफुली दिस संडे। तो स्टे ट्यून रहिएगा। सॉरी आज वर्किंग डे है इसलिए आप लोग ज़्यादा ज्वाइन नहीं हुए, लेकिन मैं एक फॉलो अप करना चाहता था लास्ट लाइव स्ट्रीम का, जिसमें ईक्यू का सेक्शन जो है वो कट गया था। तो होपफुली आप जो लेटर व्यूअर्स हैं आप इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ सीखोगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, और जो है अपने वीकडे और आने वाले वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट संडे पे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।